हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे 137 वीडियो। आज सही में 137 वीडियो ही है। मैं तब से वो एक दिन आगे चल रहा था, बट कल मैंने काउंट करा तो हाँ, आज 137 ही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आज है डेडलिफ्ट। मैं 20 साल का होने वाला हूँ और अब तक मेरी 200 की डेड नहीं है। दैट इज समथिंग जो बहुत लोगों ने अचीव कर लिया है बहुत छोटे टाइम पे, बट मैंने अभी तक नहीं की। सो हाँ, आज का मेन गोल यही है कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, फॉर द मेमोरीज जो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे 50-60 साल का बुढ़ा होकर मैं ये चीज़ें देखूंगा और फिर मैं अपने आप को क्या सोचूंगा कि यार मैं 20 साल का था और मेरी 200 की डेट भी नहीं थी। इज दैट हाउ आई वॉज? तो आज वो चीज़ चेंज करेंगे। 20-25 दिन बचे हैं मेरे बर्थडे में, एंड आई विल टेक इट टुडे। नहीं तो क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का, जब 15-14 साल के बच्चे सुमो में 20 की 200 किलो 200-250 मार रहे हैं। तो हाँ, लेट्स जस्ट चेंज दैट टुडे। अपने आप को अपग्रेड करना है भाई, लेवल अप की काची चल रहा है भाई ये, ठीक है? तो हाँ, एंजॉय द वीडियो, कुछ तगड़ा ही बनेंगे। आर्म्स भी है आज, आर्म्स। You to know just how alone you really are. दोबारा कभी जिंदगी में नैक प्रो का बेटा लाइन नहीं लेने वाला मैं। इतना गंदा बेटा लाइन, आई गेस अराउंड मैंने 15 ग्राम से बेटा लाइन लिया आज। अगर मैं किसी अच्छे ब्रांड की बेटा लाइन लेता ना और 15 ग्राम, अभी तक मैं खुजला रहा होता हर जगह को। बट इतना तट्टी है वो, क्या बताऊँ। आज का प्री मिक्सचर बहुत बेकार था। कैफीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी भी मैं बहुत अच्छी खासी एनर्जी में हूँ। 3 या 4 से डेडलिफ्ट के आराम से ले लूँगा, बट जो बेटा लाइन से रश मिलता है, ड्रेनिंग रश, वो मुझे नहीं मिला। ऑल दो मैंने इतने टाइम से, आई गेस 10 या 12 दिन से मैंने कैफीन कंजप्शन करा ही नहीं एक अच्छे अमाउंट का। आज मैंने 500 मिलीग्राम कैफीन ले रखा है और बेटा लाइन इतना तट्टी है कि मज़ा नहीं आया। बट 195 का एक सिंगल लिया मैंने, 180 अटेम्प्ट करा, मुझे थोड़ा हैवी फील हुआ। अब वो मेरी गलती नहीं है, मैं मील्स बहुत तगड़े ले रहा हूँ, बट जो एड्रेनलिन रश मुझे मिलना चाहिए बाय कैफीन या बाय म्यूजिक, वो मुझे आज नहीं मिल रहा था। तो 195 पता नहीं कैसे आया, 180 अच्छा खासा मुश्किल लगा मेरे को, बट ले लिया मैंने 195। इतनी खास फॉर्म थी नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैड टू टेक इट, क्योंकि मुझे अपने पर्टिकुलर वो तो पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, किस पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ। अगर मैं 200 का अटेम्प्ट ट्राई करता वो पक्का फेल होता, बट मैंने 5 kg कम करा क्योंकि 195 मैंने आज तक ट्राई ही नहीं करा था। तो अगर देखा जाए तो 185 मैंने ट्राई करा था जब मैंने 180 ली थी ना, उसके बाद 185 भी ली थी, देन आई ट्राइड 190। उस हिसाब से अगर मैंने 5 kg का इंक्रीमेंट करा है इतने हफ्तों में तो ठीक है, बट वी कैन डू मोर बेटर। बस यही है यार मेरी रेंज ऑफ मोशन, या मुझे लगता है ना कि अगर मेरा प्रोग्राम बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है और बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है तो मेरी जो क्या कहते हैं उसका एक एसेंस बिगड़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रिक्वेंटली एक पर्टिकुलर वेट पे ट्रेन भी करूँ और हैवियर भी जाऊँ। मेरा बेंच में ये सीन है, अगर जब तक मैं 4-4 बारी हफ्ते में कर रहा था बेंच, मेरी बेंच कूद रही थी, बट द मूवमेंट आई स्टार्टेड डूइंग 2 times अ वीक वो और कम हुई। तो फ्रिक्वेंसी मैटर्स अलॉट। बट एडी हॉल की मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो कह रहा था कि एक हैवी डेडलिफ्ट से आपको रिकवर होने में 10 दिन लगते हैं। तो वो क्योंकि अभी जो मैंने डेडलिफ्ट का सिंगल रेप लिया उसमें मेरी स्लो ट्विच मसल काम करी है एंड दे विल टेक टाइम टू रिकवर। बट अगर मैं एक लाइट वेट पे ज़्यादा रेप्स के लिए ट्रेन करूँगा दैट विल हेल्प मी इन, क्योंकि उसमें मेरी फास्ट ट्विच मसल काम्स करेंगे, ये है ब्ला ब्ला ब्ला। बट ठीक है, अब हम आर्म्स ट्रेन करने वाले। एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, पहले मैं लूँगा बाइसेप्स और बाइसेप्स के अराउंड 6 या 7 सेट लेंगे। 3 सेट में बाइसेप कर्ल्स के लूँगा और उसके बाद देखते हैं फिर ट्राइसेप, बाकी देखते हैं कैसे आता है आज का वर्कआउट। इन्जॉय करो। Forever.
can't give in! मैंने 2 या 3 सेट ही लिए बाइसेप्स के, और अब मैं ट्राइसेप ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि आज मेन मूवमेंट ट्राइसेप ही रख रहा हूँ मैं, तो वहाँ फेलियर तक जाते हैं। I'm a man of my word. मैंने रोप पुश डाउन करने का मन नहीं है, तो सिंगल हैंड पे ही आज अपने आप को बढ़िया रगड़ूंगा ताकि मजा आ जाए। तुम लोग देखना मैं कैसे अपना फेलियर अचीव करता हूँ और कितने वाइल्ड या कितने गंदे तरीके से, बट मजा आ रहा है मेरे को। जब भी मैं हैवी जाता हूँ ना, मैं ट्राई करता हूँ अगर सिंगल हैंड मूवमेंट है तो मैं दूसरे हाथ से हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने में ज्यादा जान लगेगी देन डूइंग माय रेप्स, तो यहाँ पे मैं हेल्प ले लूंगा। I want it! Let's put a smile on that face. वर्कआउट हो गया, प्रीटी सेटिस्फाइड विद माय डेडलिफ्ट, 195 का एक रेप भी काफी है यार, बट मजा नहीं आया, नॉट दैट फुली सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिलने चाहिए। पता नहीं क्या गलतियां करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। ऑल्दो 5 या 6 दिन से भाई मैं अपनी पहली मीली 300-300 ग्राम कार्ब्स खा रहा हूँ यार, पता नहीं भाई आज का मामला थोड़ा ऐसा था कि यार लग नहीं रहा था कि अगर मैं 9-10 हफ्ते के प्रोग्राम कर रहा हूँ और इतनी गंदी स्ट्रेंथ, जो भी है छोड़ो यार, एटलीस्ट हमने 5 kg का इंक्रीमेंट करा था, व्हाट मैटर्स। अभी प्रोटीन पिए, मजेदार वर्कआउट हुआ है, ठीक है। ओहो, अब कल क्या करना है? कल करना क्या है भाई? लेग्स तो नहीं है कल, आई एम नॉट इन द मूड टू ट्रेन लेग्स टुमारो। पता नहीं कल क्या है भाई, बाकी कल की कल देखेंगे। तुमसे मिलता हूँ कल की वीडियो में, थोड़ी सिनेमैटिक वाली बनाएंगे तगड़ी। एक्स खत्म हो चुके हैं, वो भी लेके आते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।